नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर और लवकुश नगर में एसडीएम के पद पर पदस्थ रही निशा बांगरे ने बड़ा कदम उठाया। निशा बांगरे ने बताया कि घर के शुभारंभ पर जाने से मध्य प्रदेश शासन ने रोका था, जिस कारण मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि चुनाव को लेकर जब बात की तो उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर अभी इनकार कर दिया है। इस्तीफे को लेकर बोली डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, दुनिया की कोई ताकत सर्वधर्म कार्यक्रम होने से नहीं रोक सकती, अनुमति न देकर मुझे टारगेट किया। जिले के प्रशासनिक मुखिया की सोच छोटी है। जून 2023 को मेरे मकान का उद्घाटन आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है मेरे पति द्वारा और गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मैंने शासन को पत्र लिखा था तो शासन ने पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब दोबारा मैंने ये पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आएंगी, हमारी सर्वधर्म की भावनाओं से एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे, इससे मेरी पारिवारिक धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने दोबारा अनुमति के लिए पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन ने दो दिन के अंदर ही, एक दिन के अंदर ही मुझे अनुमति फिर ना देने का पत्र वापस 22 जून को लिखा कि आपको इस कार्यक्रम के, उक्त कार्यक्रम के किसी भी तरीके से इसमें उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे मना किया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई, जो हमारी सर्वधर्म संभाव यात्रा निकली थी उसमें मैं शामिल नहीं हुई, लेकिन स्वयं के मकान के उद्घाटन में अगर शासन प्रशासन आने से मना करे तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके के अधिकार हमें मिले हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसका हनन यहाँ की प्रशासन, जिले की प्रशासन और शासन कर रही है, और इसी धार्मिक भावनाओं के आहत होने से, हमारे सर्वधर्म प्रार्थना को ना होने देने से, मुझे उसमें शामिल ना होने देने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों को आने से रोकने से, उसके दर्शन ना करने देने की वजह से जो मेरी भावनाएँ आहत हुई है मेरे परिवार की, और अपने अधिकारों को मैं खुद नहीं प्राप्त कर सकती तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ किसी के लिए लड़ पाऊं, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये इस्तीफा देना पड़ रहा है। बस नहीं जाऊंगी, शासन की अपनी मर्जी है, इस्तीफा मंजूर करे ना करे, किसी की जरूरत नहीं है। ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं तो मैं भी करूंगी। ये गलत तरह का जो है उन्होंने सहारा लिया है, अगर उन्हें दस्तावेज चाहिए तो उन्हें सारे दस्तावेज मिल सकते थे, उन्होंने दस्तावेज नहीं मांगे। जो कलेक्ट्रेट में इन्होंने परमिशन दी थी फाउंडेशन की तरफ से, समिति की तरफ से, उसमें तमाम दस्तावेज थे। ये गलत उन्होंने बात लिखी है इस पत्र में, गलत बात है। मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना मैं किसी से जुड़ी हुई, ना मेरा राजनीतिक कोई इसमें कारण है जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। हम परिवार के साथ विचार करेंगे, हमने पिछली बार भी यही कहा था, जो भी अच्छा होगा अवसर हम उसको जरूर उस पर जाएंगे। अब अनुमति नहीं मिल रही है, मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है जो कि होगा, उसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन होगा क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक गुरु रहेंगे भाई, बैतूल और आमला सारणी के धार्मिक लोग इनसे जुड़ रहे हैं, और हमारी जब टीम पूरा निमंत्रण देने के लिए गई है तो बड़े उत्साह के साथ सभी ने आने की हामी भरी है और आएंगे भी, तो इतने सारी जनता जो कि सभी धर्मों के गुरु, हमारे गोंड धर्म गुरु आ रहे हैं साजवा दरबार से, हमारे कोरकू धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे जैन धर्म गुरु, बुद्धिस्ट धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सभी समाज के धर्म गुरु इसमें आ रहे हैं, तो सर्वधर्म प्रार्थना का कोई भला कैसे रोक सकता है। जब इस कार्य की जो धार्मिक चीजें उन्माद फैलाए जाते हैं, जब उसको नहीं रोका जाता तो इस सर्वधर्म और शांति के कार्यक्रम को कैसे रोका जा सकता है। यही है जो जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं, उनकी छोटी सोच, यहाँ के माननीय जो शासन के नुमाइंदे हैं उनका षड्यंत्र, यही है जो मुझे रोक रहा है। बिल्कुल आएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं, और गगन मलिक फाउंडेशन का भी कार्य जो है वो देश विदेश में जो भगवान बुद्ध के शांति के प्रचार प्रसार के लिए चलता रहता है, तो इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो जरूर शामिल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता।